अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल अल अजीज कादरी होटल। ये क्यों मशहूर है, इसका वजह क्या है, ये आज हम उस्ताद से भी जानते हैं और यहाँ एक कस्टमर है उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो शुक्र है। इस बाइस माशाल्लाह बहुत मशहूर पराठे इसकी, तो मैं आलू पराठे लेने आया हूँ इससे। अच्छा, इसका आलू पराठे बहुत जबरदस्त। अच्छा, है यार जी, ये कादरी होटल है माशाल्लाह। हाँ, रोज लेकर जाओ, तीन चार रोज लेकर जाओ तुम, बड़ा जबरदस्त पराठे इसके यार। पराठा आलू वाला या और पराठे भी खाते हो? ऐसे भी पराठा खाता हूँ, सही है इसका, जबरदस्त पराठे आलू वाला बहुत मशहूर है इसका माशाल्लाह। यार इसमें जो वजह ये है कि इसको बेखोले पकाता है, एक पराठा इसका जायका टेट होता है। ये कोयले में पकाता है, उसका जायका भी डेट होता है माशाल्लाह। इसका दोबारा पराठा बहुत जबरदस्त है, मैं बहुत सारे जगह लेता हूँ, इसका पराठा अलग पराठा है। अच्छा, बहुत अलग पराठा है। अच्छा, आज हम बात करते हैं नाजरीन कि यहाँ के लच्छा पराठा, अल अजीज कादरी होटल के जो लच्छा पराठा है वो बनता है बेसिकली कैसे, वो हम आपको बताएंगे आज कि ये लच्छा पराठा बनाता है और इतना मशहूर है इसका लच्छा पराठा, और यहाँ पे जो है कोयले पे बनते हैं। जिस कोयले के बारे में बात करते हैं, वो इस कोयले पे ये लोग जो है पराठे बनाते हैं। ये बड़ा बेहतरीन होता है, इसका जायका भी अलग होता है और पराठों से। ये भाई लच्छा पराठा बना रहे हैं, लच्छा पराठा भी आपको दिखाएंगे कि लच्छा पराठा बेसिकली कैसे बनता है। इस उस्ताद के लच्छे पराठे भी आपको दिखा देंगे माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन, इसमें भी बड़ा प्यारा होता है, लेकिन आप लोग जो है एक बार जरूर ट्राई कर लो, बेहतरीन। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन शो वाला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहाँ की चाय के बारे में बस, तो आपकी मोहब्बत में चाय ऐसी है, जब भी तो यहाँ रोजाना बैठे हुए होते हैं। अच्छा अच्छा, बेहतरीन चाय, एक नंबर चाय। भाई लोगों से भी पूछ लो चाय कैसी है। भाई बेहतरीन है, अगर आप खुद बना के दोगे तो। अच्छा, आपके हाथ की, आपकी मोहब्बत में आपके हाथ की बने बैठे हम तो। बेसिकली ये अंदर का माहौल है। ये पतीला उठाना भाई, वाह, ये कोयले की आग, इस कोयले पे जो है चाय बनती है। और